चैलेंजिंग सीरीज के एक नए प्रॉब्लम के साथ आज फिर हम आपके सामने, और आज का प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, गौर से देखिए। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले इसका सलूशन नहीं देखना, पहले इसको आप ट्राई करिए। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं। अब उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम को आपने ट्राई किया होगा, आइए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कैपिटल एबीसी एक ट्रायंगल है और स्मॉल एबीसी उनके साइड्स की लेंथ है। यहाँ जो कैपिटल एबीसी हम साइन के अंदर देख रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 दी गई है। हमसे पूछा गया है ए की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो यहां देखिए रिलेशन साइड और साइन के टर्म में दिया गया है, तो यहां पे हमको साइन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन रूल लगाने से पहले आपको हम जरा समझा देते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, कैपिटल ए बी सी उसके वर्टिसेस हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स की लेंथ है। कैपिटल ए के सामने जो साइड की लेंथ है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी के सामने जो साइड लेंथ है उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी के सामने की साइड लेंथ है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब हम इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये बराबर होता है टू आर के। कैपिटल आर क्या होता है? जिस सर्किल के अंदर ये ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है उस सर्किल का रेडियस, तो ये आर को कहते हैं रेडियस ऑफ सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सरकम सर्किल किसे कहते हैं? जो सर्किल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है उसे सरकम सर्किल कहते हैं, उसी का रेडियस। अब यहां पे देखिए, यहां पे तीन रेशियो है जो 2r के बराबर है, तो ये रेशियो भी 2r के बराबर है, सेकेंड वाला भी 2r के बराबर है, और तीसरा वाला भी 2r के बराबर है। अब अगर यहां पे हम ले लें पहला वाला रेशियो और इसको हम 2r के बराबर करें, तो हमें यहां पे मिलेगा स्मॉल a इज इक्वल टू 2r साइन a। अब अगर हम सेकेंड रेशियो को 2r के बराबर करें तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 2r साइन बी। सिमिलरली तीसरे रेशियो को अगर हम 2r के बराबर करें तो हमें मिलेगा c इज इक्वल टू 2r साइन सी। अब स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या मुझे मिलता है। पहले हम एक्सप्रेशन को कॉपी कर ले रहे हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू दी गई है 8, ए की वैल्यू मुझे क्या पुट करना है 2r साइन ए इसका होल क्यूब है, बी की वैल्यू 2r साइन बी है इसका होल क्यूब है, सी की वैल्यू 2r साइन सी है इसका होल क्यूब है, डिवाइडेड बाई साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल टू 8। अब यहां पे 8 आर क्यूब कॉमन ले लें तो देखिए हमें क्या मिलता है, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी। यहां पे 8 कैसे आया? 2 का क्यूब हर एक टर्म में आ रहा है और आर आ रहा है आर का क्यूब, तो आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां नीचे कॉपी कर लीजिए जो दिया गया था, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी, और इसकी वैल्यू कितनी है 8। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू आएगी 1, 8 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पता चला आर की वैल्यू आएगी 1। तो सरकम सर्किल जो है उसका रेडियस 1 आएगा। अब जो पहला रिलेशन हम निकाले थे ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, यहां पे हम कैपिटल आर की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, 2
साइन ए। अब इस सवाल में हमसे ए की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ए की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब साइन ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और किसी भी ट्रायंगल में साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो देखिए ए की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 डेट इज 2। और ये कब आएगी? ये मैक्सिमम वैल्यू तब अटेन होगी जब साइन ए की वैल्यू हो जाए 1, यानी ए हो जाए 90 डिग्री, यानी ट्रेंगल एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा जहां पे एंगल ए 90 डिग्री है, तभी ये पॉसिबल है। तब आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इस सवाल में हमसे ए की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है जो कि 2 पाई गई है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम को आपने इंजॉय किया होगा। अगर इसी तरीके की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में।